दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय शिवापुरी के 241 छात्राओं को मिला निःशुल्क स्मार्टफोन। छात्राओं के खिले चेहरे वाराणसी जनपद के शिवापुरी विकास खंड क्षेत्र के बीसमपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय शिवापुरी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय बीसमपुर शिवापुरी में स्मार्टफोन वितरण समारोह आयोजित की गई। यहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य सुधा पांडे द्वारा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु को पुष्प एवं पौधे समेत अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। जहां स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा द्वारा भारी बारिश से बीए तृतीय वर्ष के कुल 241 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। वही मीडिया से बातचीत में स्वतंत्र राज्य मंत्री ने फोन वितरण की जानकारी दी। इसके साथ ही छात्राओं ने अपनी खुशी मीडिया के साथ साझा किया। वह जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा उपलब्ध कराए गए 241 स्मार्टफोन का डीजी शक्ति पोर्टल पर मैपिंग कराने के उपरांत प्रचार डॉक्टर सुधा पांडे एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण के मौजूदगी में छात्राओं को एक सैमसंग कंपनी के निर्मित स्मार्टफोन प्रदान किया गया। वही टेबलेट पाने वाले छात्राओं से चेहरे पर मुस्कान छा गई। इस वितरण समारोह के दौरान महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारी सहित सभी छात्राएं उपस्थित रही। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम माया पटेल है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी की छात्रा हूँ। अच्छा बेटा, बताओ कहाँ से पढ़ने आती हो, किस गांव से? मैं जनसा बाजार से पढ़ने आती हूँ। किस क्लास में है यहाँ? मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा, किस तरह का कार्यक्रम था आज हमारे कॉलेज में? फोन वितरण का समारोह था जिसमें कि हमें फोन दिया गया है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा। स्मार्टफोन कैसा लग रहा है आपको, क्या कैसा महसूस हो रहा है? हमारे भविष्य के विकास के लिए सरकार हमारे बारे में सोची है, हमें फोन वितरण की है तो हमें अच्छा ही लग रहा है। और हमारा सरकार के विषय में क्या कहेंगे? सरकार जो है वो हमारे भविष्य के बारे में सोच के ही हमारे लिए फोन वितरण और टैबलेट वितरण कर रही है, तो सरकार अच्छी है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं को, पढ़ने वाले नौजवानों को ये वायदा किया था कि चुनाव में अगर दोबारा सरकार बनती है तो बच्चों के लिए यूजी के बच्चों के लिए टैबलेट मोबाइल स्मार्टफोन और पीजी के बच्चों के लिए टैबलेट वो वितरित करेंगे। और सरकार दोबारा जब बनी है तो ये पहला वायदा है जो उत्तर प्रदेश के अपने नौजवान छात्र छात्राओं से किया गया वायदा उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा किया। और ये सरकार बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो महाविद्यालय है, गर्ल्स महाविद्यालय सेवापुरी तखू की बौली पे, इस विद्यालय में 241 बच्चों को आज ये वितरित हुआ है। इसके पहले 100 टैबलेट का वितरण हो चुका था, आज स्मार्टफोन 241 बटे हैं। और ये लगातार जितने भी बच्चे, आखिरी बच्चा जो मतलब रहेगा उसको भी मिलेगा, ये क्रमवार तरीके से जितना पीस बनते जा रहे हैं। कहा से कि एक साथ उत्तर प्रदेश के सारे छात्र छात्राओं को बांट पाना कठिन था, कोई कंपनी तो कंपनी जैसे जैसे बना के देते जा रही है वैसे ही क्रमवार एक तरफ से बच्चों को देते जा रहे हैं। जो बच्चे छूटे हैं उनको भी आने वाले कल में वो चीज़ें वितरित होंगी। अभी तो जिन बच्चों को बड़े क्लासेस में जो बच्चे हैं, ग्रेजुएशन आप सबसे महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए जिनकी किताबें बहुत महंगी होती हैं, जिनको कि घर से बहुत दूर जाके पढ़ना पड़ता है, तो उसमें स्मार्टफोन से टैबलेट से उनको बहुत सारे विषयों को पढ़ने में सहूलियत होगी। इसलिए अभी बड़े बच्चों से शुरू किया है सरकार ने और निश्चित ही इस सुविधा का फ़ायदा बच्चों को आगे बढ़ने में, हिंदू दुनिया के सारे विषयों की महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ने में, दुनिया के जितने बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं उनके विचारों को जानने समझने के लिए शायद इससे बेहतर कोई साधन सुविधा नहीं हो सकती।